हेलो गाइस, वेलकम टू प्रोटेक्ट टेक्नोलॉजी चैनल। सो गाइस, इस वीडियो में आज आपको बताने वाला हूँ, अगर आपको 15,000 के 20,000 के रेंज में एक तगड़ा स्मार्टफोन खरीदना है सो आप परचेस कर सकते हो इन्फिनिक्स नॉट 12 प्रो 4G मोबाइल। जी हाँ गाइस, इसका लॉन्चिंग डेट कंफर्म हो चुका है। इसमें आपको जो स्पेसिफिकेशन देखने के लिए मिलेंगे कंफर्म हो चुके हैं। सो ये मोबाइल आपको 15 या 20 हजार के रेंज में जो भी देखने के लिए मिलेगा उस रेंज में काफी तगड़ा स्मार्टफोन होने वाला है, बेस्ट परफॉर्मेंस सेंट्रिक फोन होने वाला है। सो इस मोबाइल का आप वेट कर सकते हो। ये मोबाइल आपको देखने के लिए मिल जाएगा 26 अगस्त को इंडिया में देखने के लिए मिल जाएगा। फ्लिपकार्ट पे ये लिस्ट हो चुका है और इसके स्पेसिफिकेशन के बारे में इस वीडियो में कंप्लीट डिटेल बात करेंगे। सो ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव रहेगा तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। चलिए गाइस, वीडियो शुरू करते हैं। सो गाइस, वीडियो स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले बात करेंगे इन्फिनिक्स नॉट 12 प्रो 4G मोबाइल के स्पेसिफिकेशन के बारे में। सबसे पहले इसके डिजाइन बिल्ड मटेरियल की तरफ देख लेते हैं। डिजाइन बिल्ड मटेरियल यहाँ आपको न्यू लुक देखने के लिए मिल जाएगा, मोबाइल गुड लुकिंग होने वाला है। सो इसके बैक साइड में आपको टॉप लेट में सर्कुलर जेब में आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने के लिए मिल जाएगा, ग्लॉसी फिनिश के साथ आएगा कैमरे के बाजू में। सो लुक वाइज मोबाइल काफी अच्छा होने वाला है। डाउन साइड इसकी ब्रांडिंग होगी, फ्रंट में आपको वाटर ड्रॉप नॉच देखने के लिए मिल जाएगा। सो मोबाइल काफी अच्छा है, लुक वाइज मोबाइल बेस्ट होने वाला है। बैक से आपको नेक्स्ट लेवल का लुक देखने के लिए मिल जाएगा, लेकिन आपको फ्रंट से आपको थोड़ा डिसेंट एंड ओल्ड लुक देखने के लिए मिल जाएगा। सो लुक वाइज मोबाइल काफी अच्छा होने वाला है। इसमें आपको 3 कलर देखने के लिए मिल जाएगा, ब्लैक, व्हाइट एंड ब्लू, 3 कलर देखने के लिए मिल जाएगा। मोबाइल गुड लुकिंग है, इसके डिजाइन बिल्ड मटेरियल में और आपको कोई भी कमी देखने के लिए नहीं मिलेगा। सो इसके डिस्प्ले की तरफ देख लेते हैं। डिस्प्ले में मिल जाएगा 6.7 इंच का फुल HD रिजोल्यूशन वाला सुपर एमुलेट पैनल देखने के लिए मिल जाएगा वाटर ड्रॉप नॉच के साथ। सो डिस्प्ले आपको थोड़ा यहाँ बड़ा देखने के लिए मिलेगा, वन हैंड यूजर्स के लिए थोड़ा डिफिकल्टी होने वाली है तो आप 2 हाथ से यूज कर सकते हो। सो आपको यहाँ डिस्प्ले थोड़ा बल्कि देखने के लिए मिलेगा, लेकिन आपको कंटेंट वॉचिंग के लिए, गेमिंग के लिए सुपर डिस्प्ले देखने के लिए मिल जा रहा है। सो इसमें आपको छोटे मोटे सारे स्पेसिफिकेशन अच्छे मिल जाते हैं इसके डिस्प्ले में। इसी के साथ इसमें आपको वाइड वन एल1 का सपोर्ट देखने के लिए मिल जाएगा, 600 nits की पीक ब्राइटनेस देखने के लिए मिल जाएगी। ब्राइटनेस आपको यहाँ अच्छा मिल जाता है, इंडोर आउटडोर विजिबिलिटी आपको अच्छी देखने के लिए मिल जाएगी। इसी के साथ 60 Hz का नॉर्मल रिफ्रेश रेट, 180 Hz का टच सैम्पलिंग रेट देखने के लिए मिल जाएगा। डिस्प्ले आपको काफी बेस्ट मिल जा रहा है, लेकिन इसमें आपको हाईर रिफ्रेश रेट देखने के लिए नहीं मिलेगा। सो डिस्प्ले अदरवाइज ठीक है। इसमें आपको सुपर एमोलेड पैनल देखने के लिए मिला, तो आपको कंटेंट वॉचिंग के लिए, गेमिंग के लिए सुपर आपको यहाँ डिस्प्ले देखने के लिए मिल जाएगा। सो इसके परफॉर्मेंस की तरफ देख लेते हैं। यहाँ आपको एक लेटेस्ट चिपसेट देखने के लिए मिल जाएगा, मीडियाटेक हीलियो G99 वाला पावरफुल लेटेस्ट चिपसेट देखने के लिए मिल जाएगा। पहले तो मीडियाटेक के चिपसेट आपको 12 NF फैब्रिकेशन प्रोवाइड कराते थे, लेकिन इसमें आपको 6 NF फैब्रिकेशन देखने के लिए मिलेगा। सो इसका मतलब हीटिंग का प्रॉब्लम, लैग का प्रॉब्लम बहुत ही कम देखने के लिए मिलेगा। प्लस इसमें CPU में 2.2 GHz क्लॉक स्पीड के साथ आएगा, ग्राफिक्स कार्ड भी इसके काफी अच्छे मिल जाते हैं, LPDDR4X RAM देखने के लिए मिलेगा, UFS 2.2 का सपोर्ट है। सो गेमिंग के लिए, वीडियो एडिटिंग, रेंडरिंग के लिए, कंटेंट क्रिएटर हो तो डेफिनेटली इस मॉल को आप परचेस कर सकते हो। गेमिंग के लिए आंख बंद करके इस मॉल को परचेस कर लेना, काफी पावरफुल आपको यहाँ चिपसेट देखने के लिए मिल जाएगा। सो इसके कैमरे की बात कर लेते हैं। यहाँ आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने के लिए मिल जाएगा बैक साइड में, और इसमें रियर में आपको 108 MP देखने के लिए मिल जाएगा, और इसी के साथ 2 MP का माइक्रो, 2 MP का डीप सेंसर देखने के लिए मिल जाएगा। कैमरा सेटअप अच्छा, इसका रियर कैमरा सेटअप काफी बेस्ट निकल के आता है। सो इसमें आपको बैक से 2K 30 FPS पे वीडियो रिकॉर्डिंग देखने के लिए मिल जाएगा, फ्रंट में आपको 16 MP देखने के लिए मिल जाएगा, फ्रंट से आपको 2K 30 FPS पे वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हो। कैमरा सेटअप इसका बेस्ट होने वाला है, कैमरे में आपको ज्यादा प्रॉब्लम देखने के लिए नहीं मिलेगा। अंडर 50,000 में काफी सुपर मोबाइल है, यहाँ आपको इमेज कैप्चरिंग सुपर से ऊपर वाला निकाल के देगा, तो कैमरे के लिए इस मॉल को भी आप डेफिनेटली परचेस कर सकते हो। सो गाइस, इसके बैटरी की तरफ देख लेते हैं। यहाँ आपको बिग बैटरी देखने के लिए मिलेगा, यहाँ आपको 5000 mAh की बड़ी बैटरी, प्लस इसी के साथ 33 W का सुपर फास्ट चार्जर देखने के लिए मिल जाएगा USB Type-C के साथ। इसी में आपको एक दिन का बैकअप आराम से देगा, अगर आपको डिस्चार्ज होता है मोबाइल तो आपको यहाँ 33 W का फास्ट चार्जर देखने के लिए मिल जाता है। प्लस इसमें आपको 3.5 mm जैक, डबल स्टूडियो स्पीकर देखने के लिए मिल जाता है, मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस आपको काफी बेस्ट निकाल के देगा। सो इसमें आपको साइड माउंट फिंगरप्रिंट देखने के लिए मिल जाएगा, फेस लॉक लाइट सेंसर, प्रॉक्सिमेटिक हम पॉजर सारे सेंसर देखने के लिए मिल जाएंगे, और इसी के साथ इसमें आपको डेडिकेटेड सिम स्लॉट देखने के लिए मिलेगा, 2 SIM एक मेमोरी आप यूज कर सकते हो। अदरवाइज मोबाइल काफी बेस्ट है, इसमें आपको छोटे मोटे से लेकर बड़े सारे स्पेसिफिकेशन बेस्ट मिल रहे हैं। सो ये मोबाइल एंड्रॉइड 12 के साथ आने वाला है, XOX 10.6 का सॉफ्टवेयर परफॉर्मेंस देखने के लिए मिल जाएगा। एड ब्लोडवेयर थोड़े मोड़े आपको देखने के लिए मिलते हैं, लेकिन उसको इग्नोर करके मोबाइल काफी तगड़ा है। सो भाइयों, इसके वेरिएंट की तरफ देख लेते हैं। आपको कहीं ना कहीं 2-3 वेरिएंट देखने के लिए मिलेगा, लेकिन अभी कंफर्म नहीं है, लेकिन आपको फ्लिपकार्ट पे देखने के लिए मिल जाएगा 8 GB वाले के साथ 128 का इंटरनल अपकॉफ देखने के लिए मिल जाएगा, और उसकी प्राइसिंग कहीं ना कहीं आपको 15,000 देखने के लिए मिल जाएगी, और लग रहा है मेरे को 6 128 एक बेस वेरियंट होने वाला है, और उसका प्राइस आपको 13,000 के आसपास देखने के लिए मिल जाएगा। सो 13,000, 14,000 और 15,000 में मोबाइल काफी सुपर होने वाला है, और इस रेंज में काफी तगड़ा स्मार्टफोन है। इस रेंज में अगर लॉन्च हुआ ना,
किलर तबाही मचाने वाला है। सो गाइस इस मॉडल का आप डेफिनेटली वेट कर सकते हो। इसका एक्चुअली प्राइस आपको अंडर 15,000 ही देखने के लिए मिलेगा। सो गाइस इसमें आपको सारे स्पेसिफिकेशन बेस्ट मिल रहे हैं। इस मॉडल का आप डेफिनेटली वेट कर सकते हो। 26 अगस्त को ये आपको फ्लिपकार्ट देखने के लिए मिल जाएगा। सो भाई ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब सपोर्ट कर देना। आपके एक लाइक से किसी की लाइफ बन जाए तो बात अलग है। सो गाइस डेफिनेटली सपोर्ट कर देना और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो आपको आगे भी देखना है तो बेल आइकन दबा के जाना। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत।